What you are watching on the screens is a very sad story. It's a story which is not often told. Um, Mira Hamesha West say Kishutha, Pakistan, Maya Jub Asian countries Kyoper Koi Chisate, to actually that's not very well documented, and people actually don't cry about it. मसलन, uh, इफ अ टेररिस्ट अटैक हैपन्स इन पाकिस्तान पिशावर में लोग मरते हैं तो एक्चुअली वी डोंट सी के फेसबुक पे सारे के सारे लोग पाकिस्तान का झंडा लगा लें अगर uh, पेरिस के अंदर अटैक होता है तो सारों की सारों यानी कि यूरोप में जितने लोग हैं उन सब के फ्लैग्स uh, फ्रांस के कलर के हो जाएंगे इट्स इट्स गुड वो होना चाहिए लेकिन यहाँ के लोगों की भी जान उतनी कीमती है और uh, मेरे ख्याल में हमारा रिस्पॉन्स बराबर का होना चाहिए लेकिन दैट बींग सेड पाकिस्तानी सोसाइटी इज ऑल्सो वेरी साइलेंट या तो ये इग्नोर करते हैं या बेसिकली ये इतनी मेहनत ही नहीं करते कि देखें कि बाकी दुनिया में क्या होता है एंड हाउ अल्टीमेटली थिंग्स शेप द पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड यू कैन सी के चाइल्ड की शक्ल भी नॉर्मल है चाइल्ड का एबडोमन भी ठीक है बट उसके लिम्स डिस्टोर्टेड है एंड दैट्स वट जब Uh, उनकी माओ ने एक दवाई खाई जिस दवाई को हम थैलीडोमाइट कहते हैं थैलीडोमाइट स्मॉल मोलिक्यूल डॉक्टर्स ने ये प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट की क्यों क्योंकि अगर किसी माँ को प्रेगनेंसी में इट्स वेरी कॉमन डेट यू गेट मोशन सिकनेस के आपको उल्टियां आती हैं सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए माइल्ड माइल्डली uh, uh, उसको पुट करने के लिए कि चलो इट्स शॉर्ट ऑफ लाइक जो आप किसी भी ऐसी ड्रग से जिससे आपको कह ना आए uh, ये उस किस्म की ड्रग थी लेकिन जितने बच्चे पैदा हुए दे ऑल हैड लिम्स ऐसे लिम्स जो मुड़े हुए थे ऐसे लिम्स जो डेवलप ही नहीं हुए हुए थे एंड आई हैव मेट सम ऑफ समीज चिल्ड्रन एंड सम ऑफ द पेरेंट्स वेरी वेरी ओल्ड नाउ डोंट हैनी आर लाइक हमने तो कभी शराब भी नहीं पी थी ड्यूरिंग द प्रेग्नेंसी के हमारे बच्चों के साथ ये हो गया वी डिडेंट डू एनी थिंग रॉन्ग एंड देर जस्ट प्रिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर ड्रग लेकिन इस ड्रग ने सीन बदल दिया ड्रग रेगुलटोरी अथॉरिटी का दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्टून इट टुक दू बेसिकली दिस पर्टिकुलर कंपनी टू एपोलोजाइज टू पीपल

organizations emerged everywhere like food and drug administration medicines and healthcare product regulatory agency in uk fda is in america then ministry of health labor and welfare in japan european medical agency in whole of the europe and therapeutic goods administration in australia we have several regulatory procedures put in place uh, drug regulatory authority of pakistan uh, हमारी एजेंसी कितनी अच्छी है आई एम नॉट कमेंट अपॉन इट क्योंकि जस्ट गो टू देयर वेबसाइट तो आपको लिखा आएगा कि वेबसाइट काम नहीं कर रही ठीक है ना एंड इट्स नॉट ओनली एक्चुअली वेबसाइट काम नहीं कर रही रेगुलेटरी अथॉरिटी भी काम नहीं कर रही वी हैड इंसिडेंट इन पाकिस्तान के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर एक ड्रग के अंदर एक और ड्रग मिक्स हुई थी जिसकी वजह से काफी सारे लोग मरे आ, हमारा मीडिया उसको भूल चुका है हमारे लोग उसको भूल चुके हैं सिर्फ वो लोग नहीं भूले जिनके माँ बाप उस हादसे के अंदर मरे और ऐसी कॉमें जो इस तरह के इवेंट्स को जाने देती हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठाती अल्टीमेटली उनका हाल वही होता है आई हैव नो शेम इन सेंग दिस कि ये सारी अलामतें उस कॉम की हैं जो एक मुर्दा कौम होती है जब हम थैलीडोमाइड का इंसिडेंट हम यूरोप में देखते हैं तो बेसिकली इट रीवेम्प देयर रेगुलटोरी स्ट्रक्चर टू द एक्सटेंट के उनकी प्राइसिस बदल जाती हैं उनके प्रोसेस पे जहां बहुत थोड़ा पैसा लगता था बहुत ज्यादा पैसा लगता है बट दे ट्राई टू मेक श्योर के कोई गलत ड्रग मार्केट के अंदर ना पहुंचे बट uh, यहां पर भी इतना बड़ा इंसिडेंट होता है लेकिन शायद हम लोगों ने तय किया हुआ है कि हमारी जान की कीमत सस्ती है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस इज ह्यूज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस अगर आप एक ड्रग मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कराते हैं और उसको अल्टीमेटली फॉर्मूलेशन की तरफ लेके जाते हैं तो यू हैव टू पास इट थ्रू वेरियस स्टेजेस जिसमें अल्टीमेटली आपने पहले उसका एक सेफ्टी प्रोफाइल लेना है फिर अल्टीमेटली आपने उसको ये वैलिडिटी उसकी लेनी है कि बेसिकली वो काम भी करेगी या नहीं करेगी उसका किसी और चीज के साथ इंटरेक्शन तो नहीं होगा और उसके साथ साथ अल्टीमेटली यू विल कम टू द फेज वन जो टॉक्सिसिटी ट्रायल है फिर आप क्लिनिकल फेज टू में जाएंगे जिसमें आप उसकी लॉन्ग टर्म टॉक्सिकोलॉजी देख रहे हैं एंड देन यू विल गो इन टू फेज थ्री लेकिन अगर आप टोटल ईयर ऑफ डेवलपमेंट देखें एक मॉलिक्यूल का इट इज अराउंड फिफ्टीन ईयर ऑफ लेबोरियस प्रोसीजर और उसमें अक्सर ड्रग्स जो फेल होती हैं वो कोई इस पॉइंट के ऊपर आकर होती हैं सेवन टू एट ईयर्स तो इमेजिन के कितना बड़ा बर्डन है कि आपके पास यूजली एक लीड कैंडिडेट आता है आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट और उस लीड कैंडिडेट के ऊपर भी आपने इतनी ज्यादा साइंटिस्ट की टीम लगाई होती है वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन आवर रिसर्च सिस्टम इज के यू हैव समाइम्स बिग कंपनीज लाइक जीएसके एंड फाइजर हैड टू बेंच 200 टू 300 हंड्रेड साइंटिस्ट उन्होंने पूरी टीम ही एक्स कर दी क्योंकि वो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने 300 हंड्रेड टू फोर लोग रखे हुए थे वो एक खास क्लिनिकल स्टेज पे जाके फेल हो गया बट वी हैव टू सी जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पाथ है वो है टारगेट वेलीडेशन वट इज द लाइकलीहुड टारगेट विल डिलीवर की एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट प्रोफाइल एविडेंस फॉर क्लिनिकल एफिकेसी आपको पास यानी कि किसी भी टारगेट पर जब आप स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल so एफिकेसी उसके अंदर होगी या नहीं होगी एविडेंस फॉर एफिकेसी इन एनिमल डिजीज मॉडल्स यू स्टार्ट फ्रॉम माइस और अल्टीमेटली आप प्राइमेट्स तक जाते हैं लेकिन नाउ वी हैव वेरी गुड सेल लाइन फॉर दैट एज वेल ताकि आपको डायरेक्टली एनिमल डिजीज मॉडल्स तक ना जाना पड़े लाइवलीहुड अचीविंग अदर ऑस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोफाइल के साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं वेन वी आर अबाउट साइड इफेक्ट्स तो आपको काफी सारे बायोमार्कर्स मेजर करने पड़ते हैं जिससे आप समझेंगे कि लाइकली चेंज आ सकता है तो आपके पास एक टारगेट आ गया फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉक्स टू इनहिबिटर अगर आप एक कॉक्स टू एक एनजाइम एक रिसेप्टर है अगर आप उसके खिलाफ एक टारगेट लेकर आ रहे हैं तो अब आपको ये पता है कि कॉक्स टू वर्क या आप कोई और रिसेप्टर ले लेते ले हैं या कोई एनजाइम लेते ले ले थे हैं थेराप्यूटिक एनजाइम ले लेते हैं जिसको आप थेराप्यूटिक तो नहीं कहना चाहिए कोई भी बॉडीली रिएक्शन uh, में एक एंजाइम रोल प्ले कर रहा है आप उसको टारगेट बना लेते हैं तो अब आप उसके खिलाफ लीड देखते हैं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइब्रेरीज हैं थाउजेंड्स और टेंड ऑफ कंपाउंड उसके अंदर होते हैं आप उनसे बाइंड करा के देखते हैं कि अगर आप ये भी डिपेंड करता है कि आप उस रिएक्शन को जो बॉडी में हो रहा था आप इनहेंस करना चाह रहे हैं या आप उसको रोकना चाह रहे हैं उस बेसिस पे आप एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट डिजाइन करते हैं तो अल्टीमेटली दो स्क्रीन्स आर पुट इन प्लेस और जिसकी आपको सबसे अच्छी बाइंडिंग नजर आती है जिसकी आपको सबसे अच्छा फॉर्मेको काइनेटिक प्रोफाइल नजर आता है आप उस कंपाउंड को सिलेक्ट करते हैं वंस यू सिलेक्ट अ लीडर देन वट यू डू आपने टेन्स ऑफ थाउजेंड कंपाउंड को इंटरेक्ट कराने के बाद आपने एक लीडर सिलेक्ट किया तो देन यू विल फर्दर ऑप्टोमाइज इट कैसे ऑप्टोमाइज करेंगे यू वॉन्ट इट टू बी वेरी सिलेक्टिव जो जो आपका इनहिबिटर है या इन्हेंसर है एगोनिस्ट या इंटेगोनिस्ट यू नीड टू मेक इट वेरी सिलेक्टिव के बॉडी में यह बाकी प्रोसेस को जाकर अफेक्ट ना करे पोटेंसी उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए वट यू डोंट वॉन्ट कि कल आप चावलों की प्लेट की जगह आप अपना वो कंपाउंड ही खा रहे हो कि उस कंपाउंड का ट यू वॉन्ट इज स्मालेबलेट में कैन गेट द डिजायर्ड एफेक्ट इन बी वो एफिकेसी ऐसा ना हो कि आप उसको खाएं और आपका लिवर उसको स्ट्रेट अवे डिस कर दे तो so आपकी बॉडी में वो स्टेबल रहना चाहिए फॉर्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी होनी चाहिए जो प्रीम एडमिट होती है एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूशन मेटेबलिज्मीशन देन सोल्यूएबिलिटी हो ताकि अगर वह सोल्यूबल नहीं होगा तो एक्चुअली बॉडी में काम कैसे करेगा स्टेबिलिटी होनी चाहिए तमाम सॉल्ट स्टेबल नहीं होते अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल वुड बी थिंग्स लाइक ऑगमेंटिन जो को लेव है दैट्स अ वेरी अनस्टेबल सॉल्ट तो उसको आप एक्सपायरी के बाद कभी भी ना खाएं वैसे तो आपको तमाम एक्सपायरी डेट के बाद नहीं खानी चाहिए बट सर्टन सॉल्ट लाइक एम्पीसिलीन दे आर वेरी स्टेबल सिंथेटिक या तो आप उस कम टारगेट को बहुत आराम से सिंथेटिकली सिंथेटिक केमिस्ट्री से आप उसको स्ट्रेट अवे बना लें या बायोलॉजिकल प्रोसेस भी लेड आउट आपके सामने क्लियर हो कि आपने उसको बनाना कैसे है एंड अगेन द सेफ्टी दिस ऑल लीड टू द सेफ्टी प्रोफाइल आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका क्या आता है कि आपको इट शुड नॉट बी कार लॉन्ग रन और उसके टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा इस्तेमाल के नहीं होने चाहिए वेन इट कम्स टू द सेफ्टी प्रोफाइल आपको अगर आप देखेंगे तो काफी सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं लेट मी गिव यू अ प्रोमिनेट एग्जाम्पल लाइक कोडीन फॉस्फेट आप लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते सेडेटिव आप काफी सारे लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी उनसे यूज टू हो जाए तो वो ड्रग भी काम अपना अफेक्ट नहीं करती एंड यू आर देन एडिक्टेड टू सब्सटेंस देन यू ऑल्सो हैव टू इन प्री क्लिनिकल स्टेजेस अब आपने उसको पेशेंट्स तक लेके जाना है क्लिनिकल ट्रायल्स के अगर मैं सारे पेशेंट्स फ्रॉम फेज वन टू फेज थ्री कम्बाइन कर दूं तो यू समाज एंड अप गिविंग अपट टू थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड पेशंट्स तो इसका मतलब है नाउ यू हैव टू सिंथेटिकली स्केल इट अप कि आप उस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा हासिल कर सकें एंड देन अल्टीमेटली फॉर्म्यूलेटबिलिटी मसलन अल्टीमेटली जो फॉर्म्यूलेशन है वो कैसी हो कि आपको उसको आईवी देना है या आपको थ्रू स्टमक देना है और उस फार्म्यूलेशन में भी उसका रिलीज कै प्रोफाइल कैसा होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट इज इन क्लिनिकल स्टेज यू हैव टू लुक एट कि उसकी सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इन मैन क्या है uh, काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स बाज अकात गलत भी जाते हैं देर वॉज अ बिग केस इन लंदन फ्यू ईयर्स बैक जिसमें एक एंटीबॉडी डोसेज सिर्फ गलत दी गई अब मैं फार्म्यूलेशन की बात कर रहा हूं तो उस बंदे की फिंगर्स बर्न हो गई इंटरनली सारी की सारी ब्लैक हो गई

उनकी अंदर पेशेंट की तादाद ही इतनी थोड़ी होती है कि इट्स नॉट फिजेबल सो गवर्नमेंट ऑल दीज एजेंसीज हैव सेपरेट प्लान्स के अल्टीमेटली कंपनीज को टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं अगर वो ऐसी डिजीज बनाएं जो ऑर्फन इन नेचर है यू हैव टू ऑल्सो सी कि आपकी जो ड्रग है वो कितने पेशेंट्स को ट्रीट करेगी वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेट खराब होता है तो पाकिस्तान में फर्स्ट ड्रग डॉक्टर विल गिव यू आपको देंगे लेकिन अगर तब भी नहीं ठीक होता दे माइट मूव टू समथिंग लाइक लाइक थर्ड जनरेशन समय की मार्केट इन टर्म्स ऑफ टोटल टेबलेट सोल्ड वुड ऑलवेज बी लेस देन सिप्रोफ्लॉक्स इन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्राइस पर डे आपने कितनी देनी है इसके ऊपर मैं आपसे एक और सेपरेट टॉपिक में बात करूंगा और टोटली totally, अल्टीमेटली अगर आप एक ऑलरेडी स्टेब्लिस्ड मार्केट में जा रहे हैं तो आपके पास मार्केट शेयर क्या आएगा ये सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली कॉन्सिडरेशन में आती हैं एंड देन यू गेट अ ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस इट्स अ वेरी स्ट्रांगली टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस इट्स नॉट एन ईजी मार्केट बट अल्टीमेटली द गोल इज टू हेल्प ह्यूमैनिटी